आज जो भारत के लिए बेहद ही गौरवान्वित करने वाला दिन है, क्योंकि आज चंद्रयान 3 दोपहर 2:30 बजे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा और इसके साथ ही भारत इतिहास रचने के एक कदम और पास है। इसके बाद 23 और 24 अगस्त को चंद्रयान 3 के मिशन के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन पिछले अभियान चंद्रयान 2 का ही अगला चरण है। इसके उद्देश्य चंद्रमा की इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर उतरना और परीक्षण करना है और इस यान में एक प्रयोदन मॉड्यूल, एक लैंडर और एक रोवर होगा। चंद्रयान 3 का सबसे पहला मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करना है। इसलिए मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं और एल्गोरिदम को भी सुधारा गया है। आज के इस खास मौके पर पूरा देश इस मिशन को लेकर प्रार्थना कर रहा है, साथ ही उस पल का इंतजार भी कर रहा है कि चंद्रयान की उड़ान का साक्षी बने। वहीं भारतीय लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने ट्वीट कर पूरे देश को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दो, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे दिनकर। आकाशीय विज्ञान में भारत के लिए गौरव के क्षण, कई अनुरत्तरित प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए एक नया नचिकेता बादलों के पार जा रहा है। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के लिए पूरे देश को मंगल कामनाएं आपके साथ हैं। बता दें कि लखनऊ की ऋतु चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगी। लखनऊ की ऋतु करधाल को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वरिष्ठ वैज्ञानिक ऋतु करधाल मिशन की डायरेक्टर हैं। लखनऊ की बेटी ऋतु की अगुवाई में चंद्रयान 3 रवाना होगा। ऋतु करधाल मंगलयान की डिप्टी डायरेक्टर रह चुकी हैं। इसके अलावा चंद्रयान 2 में भी करधाल मिशन डायरेक्टर रह चुकी हैं और अब चंद्रयान 3 की मिशन की डायरेक्टर करधाल ही हैं। हाल के पास चंद्रयान 3 के लैंडिंग की जिम्मेदारी है। रॉकेट विमेन ऋतु करधाल का जन्म लखनऊ के राजाजीपुरम में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने एग्नेस पब्लिक स्कूल नवयुग विद्यालय से की है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।